अभी हो रहा है कि नहीं? शांति का आनंद का बोध हो रहा है? नहीं, झूठ क्यों बोलना है ना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, अभी नहीं हो रहा। तो जब होगा तब सदा के लिए होगा, ठीक है। अब आपको एक बार ध्यान का अनुभव करने का प्रयास करना है, एक बार होगा तो सदा के लिए, क्योंकि ये अभी सदा होता है, अभी क्या होता है, सदा होता है, यही अभी। आप अभी शांत हो गए तो सदा के लिए आप शांत हो गए, ऐसा है। मगर इसमें भी कंफ्यूजन है, आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी जब गहरे ध्यान लगेगी। तो अभी आप इसको इस तरह सोचे कि आपको दिन में एक दो घंटे शांति का ध्यान का आनंद होता है, तो उसको इस तरह व्याख्या करेगी, वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको 24 घंटे में एक घंटा भी शांति का अनुभव हुआ तो वो बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो उसके लिए आप अहोभाव से भरना है, ऐसा नहीं पूछना कि अभी तो हुआ, बाद में नहीं हुआ, क्या मजा आया, इस तरह कहोगे तो आपने आपने इसका अपमान कर दिया, इस क्षण का, इस शांति का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भूल गया, नहीं हुआ तो हाँ और मिली चाहते हैं, हाँ वो चाहना ही गलत है ना, चाह ही गलत है, चाहती क्यों, चाह ही, चाह क्यों गलत है, इसको भी समझे पड़े। चाह से अभी तक आए हो, अभी तक चाह है, इसलिए तो परेशानी है ना। अब सुख चाहते हो तो चाह को छोड़ दो, चाह से सुख कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चाह सदा होगा कल में, चाह आपको कहाँ ले जाएगा, कल में ले जाएगा। जबकि खुशी आनंद कहाँ होता है, यहाँ होता है, अभी होता है। तो ऐसा बुरा तो नहीं है चाह, मगर चाह से हो नहीं सकता, क्योंकि जो चाहता है, जो कुछ चाहता है, उसका अर्थ क्या हुआ, अभी उसके पास नहीं है, तो कभी हो सकता है, ठीक है। तो कभी कहाँ होता है, भविष्य में होता है। चाह तो होगी, चाह से तो आपको ले आएगी, काम करते करेंगे, मगर जब आपको आनंद होगा तब आपका चाह मिटेगा, जब चाह नहीं रहेगा तब आपको आनंद होगा। तो ये बात आपको सीखनी होगी, ये बात सीखनी होगी, चाह से नहीं होता है, ठीक है। चाहना नहीं, जैसे अच्छा होकर बैठ जाओ, जैसे कह दो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या अशांति हो सकती है? प्रयास करो, ऐसे बैठ जाओ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाह की तो आप कहाँ गए, भविष्य में चले गए, भविष्य में, भविष्य में चाह भविष्य में ले जाती है ना। तो इसीलिए आपको चाहना नहीं है। आपको कहाँ से मिल सकता है कल में कुछ भी, जो भी मिल सकता है अभी मिल सकता है, वो तो है ही नहीं कल, बस आपका वर्तमान की बात मुझे समझ। इसलिए अचाह यही है कि अचाह इसलिए करो क्योंकि आपको मिला ही हुआ, क्यों, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 खरब रुपया है, वो पैसे की आशा क्यों करेगा, तो है ही उसके भीतर, तो वर्तमान में आनंद है ही, जीवन है ही, तो भविष्य की आशा क्यों करेंगे, अभी सारे आनंद में, अगला पल भी आनंद में। तो यही है बात, अचाह की बात यही है, बार बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी भीतर आदत बहुत पुरानी है, चाह रखने की आदत बहुत पुरानी है, मन में अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी दमित वृत्तियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमने अब कल हम वो प्रयास करेंगे। एक बाहर आप कॉन्शियस माइंड से आप जो कुछ भी ज्ञान की बात करो, ये कॉन्शियस माइंड की बात है, आपका तो 90% अनकॉन्शियस माइंड है ना। तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, आपके दमित वृत्तियां हैं, वहां जो आपके भय क्रोध, अब तक आपने कितने लोगों के सामने हीनता बोध करा है, उसको दबाया है, वो आपके अंदर ग्रंथि बनी पड़ी है, अब रोना चाहा कहीं रो नहीं पाए तो उसको दबाया है, तो रोना भी भीतर छिपा है, हंसना भी छिपा है, क्रोध भी छिपा है, क्रोध आया मगर क्रोध प्रकट नहीं कर पाया, अब नीचे दबा दिया। तो ऐसे इतनी सारी चीजें हमने दबाई है अपने भीतर, तो वो तो हमारे भीतर 90% है,
अभी तो जो हम चेतन मन से बात कर रहे हैं ना, वो तो केवल 10% है। इसलिए हम ये बात तैयार, इसलिए लगातार क्यों नहीं होता कहते हैं ना, हम 10% मन से ये बात समझते ही और बाद में फिर 90% वाला तो भीतर है, वो फिर आ जाता है, भूल जाते हैं। फिर पावरफुल तो अनकॉन्शियस है ना, ठीक है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड में जो भी दबा पड़ा है ना, उसको बाहर निकालना है, उसको रेचन करना है, या उसको ध्यान की अग्नि में जलाना है, ठीक है, या उसको बाहर निकाल के फेंकना है। ये आपको करना, ये प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है। ध्यान की अग्नि में ऐसा है कि आप प्रेजेंट में, जैसे मैं कहता हूँ ना, शांत होकर बैठ पाते हो, ऑब्जर्वर, ये तो ऑब्जर्व समझ पाते हो, दोनों नहीं करते अपने मन को, तो वो जो भी है वो जल जाता है उस वर्तमान की अग्नि में, इस तरह भी वो समाप्त हो जाता है। और आप रोने चिल्लाने जैसा प्रैक्टिस करके भी उसको निकाल सकते हो। तो ये चीज जो है ना, इसको बाहर निकालने के कारण आपको आसानी होगी। और इसमें आपको ध्यान का अनुभव हो गया एक बार, तो बार बार नहीं होगा, क्योंकि अचेतन में बहुत सारी वो चीज तो दबी पड़ी है, तो इसलिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा। आप वो चीज आपको बाधा तो देती रहेगी वहां।